में से मैंने कुछ 7-8 हज़ार रुपये लिए, फिर मेरे बच्चों की फीस भरी और उन्हें पढ़ाया। वो सरकारी स्कूल में ही पढ़ते थे, पर कपड़ा और पेंसिल और ये तो चाहिए था सामान, तो वो उनको ला के दिए, तो वो पढ़ते रहे। फिर कुछ दिन बाद में मैं अरे ग्राम संगठन भी बन गए और बैंक से लोन भी मिल गई। तो बैंक से लोन मिली तब मैंने 50 हज़ार रुपये लिए बैंक से लोन के, तो उनमें से मेरे बेटे की फीस भरी और एक मेरी भैंस मर गई थी तब मैंने भैंस भी ली। तो भैंस का कुछ तो दूध बेचा और कुछ घी बेच के ना मेरे परिवार की स्थिति अभी बहुत सुधार में आ गई। जमीन तो थी पर पानी तो नहीं है, पर जमीन को क्या करेंगे जब पानी नहीं है, तो मजदूरी कर नहीं सकते। और फिर मैंने राजविका में जुड़ के और हमारे ग्राम संगठन बना, तो ग्राम संगठन के पदाधिकारी और एक दो समूह के पदाधिकारी ने कुछ सोचा कि आप कुछ मिलकर कुछ काम कर ले। तो मैंने सलाह करी, बताओ आप काम क्या करोगे कि आप गरीब महिला हो। तो उसने बोली कुछ नहीं अभी, आप तो चाहे तो सामान खरीद ले कुछ ही, और या मसाला की दुकान कर लेंगे आप। ठीक है, तय कर लिया हमने। तो ग्राम संगठन में से 50 हज़ार रुपये लेके और हमने मिर्च और हल्दी खरीद कर बेचने का काम किया। तो हमारे DPM सर से भी बात हुई और BPM सर से भी बात हुई, तो वो बोले राजविका से आपको लोगों दिलवा देंगे, आप मिर्ची का काम कर लो। तो कुछ दिन तो हम लोगों के चक्कर में बैठे रहे, फिर लोगों तो उन्हें दिया नहीं, फिर भी हमने कम से कम 4 कुंटल मिर्ची गरीब महिलाओं को देकर हमारा गुजारा कर रहे थे। और मैं आपके बानसूर ब्लॉक में RP के पद पे कार्य भी कर रही हूँ। मेरे पास करीब से करीब गरीब महिला जुड़ी हुई है, उनको 15 हज़ार रुपये भी दिवाए और बैंक से लोन भी दिवाए। 500 में 2-1 राजीविका कैंटीन भी खुलवाई है, जो महिलाएं अपना जहाँ पे दूध सरस डेयरी के 2 डेयरियां भी खुली है, जो जिसमें से सरस डेयरी का उनके पास दूध का आयात निर्यात होता है। तो हमें यहाँ पे कृषि सखी 40 कृषि सखी लगाई है, 40 पशु सखी लगाई है, जो हमारे समूह से निकली हुई है। और यहाँ पे पंचायती राज द्वारा भी कई योजनाएं दी गई है, जैसे महिला मेट के लिए, और जो अभी फिलहाल CBO सर ने आदेश जारी किए होंगे यहाँ पे ड्रेस के लिए भी, राजीविका के महिलाओं को ड्रेस, जो विद्यालय में ड्रेस उपलब्ध होती है गरीब बच्चों की, वो सारी SHG की महिलाएं ही सिलाई करेगी। बस मैं सभी मंच वासियों से यही अनुरोध करती हूँ कि यहाँ पे बांसुर ब्लॉक में और ज्यादा से ज्यादा SHG महिलाएं जुड़ के हमारी आत्मनिर्भर बने और अपना सशक्तिकरण करें। तो सभी को धन्यवाद। कुछ नहीं है, रौनक है इन मेहमानों की, जो आज इनके आने से हमारे विद्यालय प्रांगण में आई है। मैं नुपुर शर्मा, व्याख्याता रसायन विज्ञान स्थानीय विद्यालय की व्याख्याता, आज अपने विद्यालय प्रांगण में मुख्य अतिथि महोदय, अध्यक्ष महोदय, मंच पर मंचासीन सभी सम्माननीय अतिथि महोदय और विद्यालय प्रांगण में पधारे सभी मेहमानों और ग्रामवासियों का अपने विद्यालय प्रांगण में समस्त विद्यालय परिवार की ओर से इस नारी चौपाल में अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। नारी एक शब्द, नारी क्या सिर्फ एक शब्द नहीं, नारी वो शब्द जिसमें हमारा ये सारा जग समाया है। ईश्वर शायद ही सृष्टि पर रचना करने के लिए स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं हो सकते थे, इसीलिए इस पुनीत कार्य के लिए उन्होंने एक नवाचार है जो अलवर जिले के सभी ब्लॉकों में संचालित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान योजना अंतर्गत समाज में गिरते लिंगानुपात तथा नारियों के अधिकार तथा राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं जिनकी जानकारी इनको नहीं होती है, वो सब जानकारी देने के लिए ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत आज सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जो योजनाएं संचालित की जा रही है, जिसके द्वारा महिलाओं को जो आर्थिक संबल मिलता है, उन सभी की जानकारी आप सभी को उपलब्ध करवाई जाएगी। ये परिस्थितियाँ बहुत तेजी से बदल रही हैं। जब परिस्थितियाँ बदल रही हैं, तो हमें अपनी क्षमताओं को भी बढ़ाना होगा। आप याद करेंगे आज से 50 साल पहले औरत की स्थिति क्या थी,
उस समय पहले की स्थिति क्या थी, या हम प्राचीन काल में चले जाए तो उस वक्त शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन मध्य काल तक आते आते हमारी नारी समाज में स्थिति थोड़ी सी कमजोर होती चली गई। लेकिन खुशी की बात कि वर्तमान में फिर से उस स्थिति को पाने का प्रयास ये नारी चौपाल। बहुत बहुत आभार जिला प्रशासन। हमें अपना रास्ता खुद तलाशना होगा, हमें अपने हुनर को पहचानना होगा कि मेरे अंदर कौन सी काबिलियत है। जैसे अभी उन्होंने राजीविका से जुड़ करके अपने हुनर को पहचाना कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपने परिवार को चलाने के लिए, अपनी पहचान स्थापित करने के लिए मैं अपनी क्षमताओं को किस तरीके से बढ़ा सकती हूँ। तो आप अपनी क्षमताओं को पहचाने, अपने हुनर को पहचाने, अपने शिक्षा को पूरा करें और मुझसे जुड़ी या आपसे जुड़ी जितनी भी बालिकाएं हैं, बेटियां हैं, महिलाएं हैं, कोशिश करें कि उन्हें शिक्षा दें, क्योंकि शिक्षा तो वास्तव में सही कहा है बाबा साहब ने कि शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इसीलिए ये दहाड़ यहां तक पहुंचे तालियों के माध्यम से। हम प्रयास कर रहे कि हर बेटी शिक्षा को पाए, उसे विद्यालय तक पहुंचाए। विद्यालय पहुंच जाने के बाद बालिका अपने आप शिक्षा की मुख्य धारा में जुड़ जाएगी। अपने सपोर्ट सिस्टम को पहचाने, मुझे किसकी आवश्यकता है। आप देखेंगे इस कैंपस में विभिन्न विभाग आपकी मदद के लिए हैं। यदि मेरे आधार कार्ड में परेशानी है, मुझे बैंक में कोई समस्या है, या विद्यालय में बच्चे को एडमिशन कराने में कोई समस्या आ रही है, या मुझे FIR दर्ज कराने में परेशानी आ रही है, या मुझे कहीं कुछ असहज क्रिया होती नजर आ रही है, मुझे पुलिस विभाग की मदद चाहिए, तो सखियों बहुत अच्छा मंच आज आपको मिला है, ये नारी चौपाल। अपने मन की सारी समस्याओं का समाधान आज हम यहाँ से लेकर के जाने वाले हैं, और इसमें हमारे सहयोगी SDM साहब बहुत ही शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि इन परिस्थितियों में हम देखते हैं कि हम अपने आप को कहीं ना कहीं असुरक्षित भी पाते हैं। अभी चर्चा हो रही थी गुड टच और बैड टच की, आत्मरक्षा प्रशिक्षण की। तो मैं थोड़ा सा मेरे बारे में बताना चाहूंगी कि मैं जिला स्तर पर प्राणा में सेटर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के रूप में कार्य कर रही हूँ। आत्मरक्षा प्रशिक्षक के रूप में मैं 24 राज्यों में आत्मरक्षा प्रशिक्षण देने का मेरा अनुभव रहा है। 2 पुस्तक भी मैंने आत्मरक्षा प्रशिक्षण पर लिखी है, और दिव्यांग बालक बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण, विशेष प्रशिक्षण देने की दक्षता मैंने मुंबई से प्राप्त की। शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ, तो शिक्षा के लिए भी थोड़ा सा मेरा प्रयास रहा है। शिक्षा के लिए मैंने कई प्रशिक्षण मॉड्यूल लिखे हैं, जिसमें नवयुक्त टीचर्स का भी प्रशिक्षण हुआ, वो मॉड्यूल राइटिंग का सौभाग्य भी मिला। FLN मॉड्यूल आधारभूत दक्षताओं को किस प्रकार प्राप्त किया जाए, वो मॉड्यूल राइटिंग का भी मुझे अनुभव मिला। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मेंटर टीचर इसका भी अभी प्रशिक्षण हुआ, वो प्रशिक्षण लिखने का भी मुझे अनुभव मिला। और आपके दीक्षा पोर्टल पर विभिन्न मॉड्यूल मेरे द्वारा बनाए गए हैं, उपलब्ध हैं। साथ ही 100 से अधिक एनिमेटेड वीडियोज दूरदर्शन राजस्थान पर मेरे प्रसारित हो चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक शिक्षिका और इतना सारा काम, मैं लगभग 15 से 16 घंटे काम करती हूँ। मैंने कहा अपनी क्षमताओं को पहचानिए, तो क्या आप नहीं कर सकते? आवाज ही नहीं आई, नहीं कर सकते, आवाज नहीं आई, कर सकते हैं? बिल्कुल, अपनी क्षमताओं को पहचानेंगे और पहचान करके हम आगे बढ़ेंगे। सखियों, हम नियर और डियर, इन दो से हमें हमेशा सतर्क रहना है, क्योंकि अपराध के आंकड़े यदि हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि 90% के जो आंकड़े हैं, अपराध है, वो किसी हमारे जानकार के द्वारा किए जाते हैं, या
कोई हमारे रूटीन को जानता है, कोई हमारा पड़ोसी है, परिचित है, वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है। तो सबसे पहले अपने अवेयरनेस लेवल को बढ़ा लें। हमारे घर में कौन आता है, हमसे किस तरीके से बात कर रहा है, हमारे बच्चे को किस तरीके से छू रहा है, इस पर भी विचार करना चाहिए। क्या मैं सही हूं? आप सहमत है? सहमत है तो ताली बजा दीजिए। अधिकतर अपराध या 90% जो अपराध है वो नियर और डियर के द्वारा किए जाते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से ये बात भी कहना चाहूंगी कि बुरे लोग कम हैं, अच्छे लोग ज्यादा हैं। क्या मैं कहूं कि 2-3% लोग ऐसे हैं जो इस तरह की घटनाएं करते हैं, लेकिन हमें उनसे भी सतर्क रहना है। अच्छा स्पर्श या बुरा स्पर्श, क्या मैं इसको कह सकती हूं सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श? आपको पहचानना होगा कि स्पर्श कैसा है। स्पर्श यदि छूने का तरीका मुझे खुशी देता है, सम्मान देता है, सिक्योर फील कराता है, सुरक्षित महसूस कराता है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। आपको अपने बेटियों को बताना है, और मैं कहती हूं बेटियों को नहीं, बेटों को भी बताना है कि ऐसा स्पर्श जो खुशी दे, सम्मान दे, सुरक्षा महसूस कराए, वो स्पर्श अच्छा स्पर्श या सुरक्षित स्पर्श कहलाता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ऐसा स्पर्श जो मुझे भय महसूस कराए, असुरक्षित महसूस कराए, या मैं असहज हो जाऊं, या किसी का छूने से मुझे घबराहट हो, मुझे सूसू आने लगे, या हथेलियों में पसीना आने लगे, या मैं कपकपाने लगूं, मेरे पैरों में कपकपी लग जाए, तो समझ लेना चाहिए कुछ ना कुछ गलत है, वहां से मुझे हट जाना है, उस व्यक्ति से मुझे दूर हो जाना है, दूरी बना लेनी है। और ऐसा स्पर्श होने पर जोर से चिल्लाना है, नो, ना, नहीं, दूर से बात करो, नजदीक मत आओ। इन शब्दों का इस्तेमाल करना भी हमको सीख लेना चाहिए। हम शर्म, झिझक और बदनामी के डर से अक्सर इन बातों को छुपा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपराधी के हौसले बुलंद हो जाते हैं। पहली बार में ही जोरदार आवाज में क्या कहना है, नो, क्या कहना है, नो, नहीं, आपको पहली बार में ही रोक देना है, स्टॉप करना है और मदद मांगनी है। जिस भी व्यक्ति से आप मदद मांग सकते हैं, जिस भी हेल्प नंबर से आप मदद मांग सकते हैं, जरूर मांगिए। आप पुलिस थाने में जाना है, वहां जाइए, वहां नहीं जा सकते तो आपकी मदद के लिए बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर हैं, जैसे चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 10-9-8, बहुत आसान। 10 तक की गिनती हर व्यक्ति को आती है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, तो 10-9-8 बच्चों के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, बच्चों की मदद का 24 घंटे खुलने वाला नंबर, आप भी फोन कर सकते हैं, बच्चे की स्थिति बता सकते हैं। यदि किसी बच्चे को मदद की आवश्यकता है तो आप उसे मदद दीजिए। वुमेन हेल्पलाइन नंबर 1090, आप मदद मांग सकते हैं यदि कोई आपको परेशानी है तो। 181 नंबर आपकी मदद के लिए, गरिमा हेल्पलाइन नंबर। और अक्सर राजस्थान में कुछ भी हो जाता है तो महिलाएं कहती है, बारे बारे क्या हो गया? अरे बारे बारे मत चिल्लाइए, 112 पे फोन मिलाइए, बारे बारे मत चिल्लाइए, 112 पे फोन मिलाइए, आपको जरूर मदद मिलेगी। तो ये कुछ चर्चा थी हमारी सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श की। हमें अपने बच्चों को समझाना होगा, इस अंतर को बताना होगा। अगर देखना, छूना, बोलना, इशारे करना किसी भी तरीके से अगर आपको गलत लगता है तो तुरंत आपको
रोकना होगा। हमें एक दूसरे की मदद के लिए खड़ा होना होगा, हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी और हमें अपने सपोर्ट सिस्टम को भी पहचानना होगा। यदि किसी तरह का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या किसी भी शोषण का आप देख रहे हैं मेरे घर में, अपनी बेटियों के साथ, मेरे पड़ोस में, तो सूचना जरूर दीजिए। पहली बार में ही स्टॉप कीजिए। मैंने एक वीडियो बना करके कलेक्टर साहब को मैसेज किया था सर, नारी चौपाल के ऊपर। उसमें मैंने एक समस्या एक महिला के द्वारा बताई थी कि मेरी बहू को मेरा बेटा रोज पीटता है, मैं क्या करूं। मैं जब वो वीडियो चला रही थी तो मेरे किराएदार थी, वो देख रही थी। उसने देख करके ये बोला कि इतनी अच्छी सास जो बहू के लिए कह रही है कि मेरी बहू को बेटा मारता है, तो क्या हम इतनी अच्छी सास नहीं बन सकते? बन सकते हैं। सिर्फ सोच बदलनी है, हमें एक दूसरे के साथ खड़ा होना है। मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले, अभी जो अनुभव शेयर कर रहे थे, सब अपने आप को वही मानते हुए अपना हाथ ऊपर उठाएंगे और जोरदार बोले शाबाश। आवाज ही नहीं है, जोरदार बोले शाबाश। एक बार और, ये शाबाशी खुद को याद करिए, आपकी बचपन से लेकर आज तक कितनी बार ये शाबाशी मिली। अपनी साइड खुद लेना सीखिए। अगर मैं मेरी साइड नहीं लूंगी तो मैं किसी से उम्मीद कर सकती हूँ कि वो मेरी साइड ले? अपने लिए सोचना शुरू करें, अपना एक उद्देश्य बनाए और उस पर काम करें। अपनी बात को खत्म करने से पहले आप बोलेंगे बेटियां, क्या बोलेंगे? देश किसान, राजस्थान किसान, अलवर किसान, बांसुर किसान। तो इनका खुद का एक बैंक, लगभग 11 करोड़ प्लस इन्होंने सेविंग अपनी एकत्रित की है, जहां बैंकों के पास महिलाएं अपनी आवश्यकता के लिए जब लोन के लिए जाती थी तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उन्हें देने पड़ते थे, लेकिन नाबार्ड, राजीविका, NRLM जैसे प्लेटफॉर्म ने आज महिलाओं को एक ऐसी शक्ति प्रदान की है, वो अपनी 10 से 15 महिलाएं एक समूह बनाकर ना सिर्फ वो आत्मनिर्भरता से जुड़ी है, वो एक तरीके से आर्थिक सशक्त भी बनी है। ये सुनहरा जो प्रयास है नाबार्ड के सपोर्ट से हमारे संस्थान ने बांसुर में किया। इसी कड़ी में अगर मैं बात करूं, जिस तरह राजस्थान सरकार ने राजस्थान में महिलाओं के बैंक स्थापित किए हैं, और हमारे लिए खुशी की बात है कि जो 7 जिले चुने गए उसमें राजस्थान में अलवर में भी राजीविका को महिला बैंक मिला है, और वो बैंक जिस तरह हम सामान्य बैंकों में लेन देन करते हैं, सेम उसी प्रकार महिलाएं अपने बैंक में लेन देन कर पाएंगी। सेम उसी कड़ी में अगर मैं बात करूं बांसुर की, तो इन महिलाओं ने अपनी स्वयं की एक कंपनी बनाई। बांसुर में युवा जागृति, नारी शक्ति, महिला फेडरेशन के नाम से इन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपना रजिस्ट्रेशन कराया। और अगर हम बात करें इन महिलाओं को आज आगे बढ़ाने की, तो इन महिलाओं ने मात्र 2 साल में अपनी FPO की कंपनी के माध्यम से 40 लाख प्लस का टर्नओवर किया है, और राज्य स्तर पर भी इन्हें अलग अलग तरह की योजनाओं में कई बार पुरस्कृत होने का मौका भी मिला है। यहाँ हमारे समूह की भी 40 प्लस महिलाएं उपस्थित हैं, मैं उन सभी को भी और बाकी मात्र शक्ति को भी आभार व्यक्त करता हूँ कि ये सही मायने में इस प्रकार की चौपाल अगर नियमित रूप से आयोजित हो तो इन महिलाओं को संबल मिलने के साथ सशक्तिकरण मिलेगा, ये आगे बढ़ पाएंगी। अगर बात करें जिला स्तर की टास्क फोर्स की जो कमेटी है, जिसमें युवा जागृति संस्थान को मेंबर के रूप में चुना गया है, और विगत 4 वर्षों से नियमित रूप से हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए कार्य कर रहे हैं। चाहे बात करें बांसुर के बालिका स्कूल में अध्ययन करने वाली बालिकाओं को नियमित रूप से निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा की, अगर बांसुर में जितने भी सरकारी स्कूल्स हैं उनमें हमारे संस्थान का एक डिजिटल वैन
रेगुलरली 120 लैपटॉप से लेस है, वो जाकर नियमित रूप से अध्ययन करा रहा है, डिजिटल टेक्नोलॉजी से उनको जोड़ने का काम कर रहा है। बात करें पूरे भारत की तो अलवर जिला एक ऐसा पहला जिला है जिसे मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, और हर जिले में ऐसा पहली बार हमारे अलवर के जिले में हुआ पूरे भारत में कि 2072 गांवों में हर गांव में एक महिला को चुनकर उसे डीजी पे सखी बनाया गया। महिलाएं खुद के बैंक के माध्यम से आज गांव में रहकर ही आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम के थ्रू लोगों को लेन देन कर पा रही हैं। जो महिलाएं चल फिर नहीं सकती थी, जो बुजुर्ग घर में खाट से या चारपाई से उठकर बैंक तक नहीं जा पाते थे, ये महिलाएं उनके घर जाकर अपने मोबाइल फोन में आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम AAPS जो मिनिस्ट्री ऑफ IT की एक स्कीम थी जिससे इन्हें हमें एक मॉडल के रूप में जोड़ा। बांसुर एक पहला ऐसा ब्लॉक बना जिसे डिजिटल ब्लॉक बनाया गया। जब लॉकडाउन था तब ये महिलाएं जो बांसुर में हमारे समूह से जुड़ी हुई थी, प्रत्येक बांसुर के 148 गांव में 5-5 कंप्यूटर की IT की लैब के साथ महिलाएं खुद अपने घर पर रहकर और आसपास के बच्चों को कंप्यूटर से जोड़कर और आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम के थ्रू बैंकिंग का काम कर रही हैं। अगर मैं बात करूं हमारे स्थानीय SDM सर की तो वो भी काफी ऊर्जावान है और महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में किए जाने वाले प्रयासों को सदा वो सराहते हैं। अगर हम दीपावली की बात करें तो सर से प्रेरणा प्राप्त कर और हमारे वर्तमान जो जिला कलेक्टर हैं जो कि जो हम गोधन जो जिसे हम कहते हैं काउडन उसके बने जो दिए हैं उनको इन महिलाओं ने इस दिवाली 1 लाख घरों में 5 लाख दिए का जो लक्ष्य रखा था, ना सिर्फ लक्ष्य रखा उन्होंने पूरा भी किया और उनके फेडरेशन और FPO के माध्यम से लगभग 17,61,000 रुपए के उन्होंने काउडंग के उत्पाद गांव की हाट करके एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू उन्होंने पूरे भारत में यहां से बांसुर से सप्लाई किए। अगर हम लॉकडाउन के दौरान की बात करें तो महिलाएं मास्क बनाना या बाकी तरह के जो प्रोडक्ट हैं वो बनाने का काम कर रही हैं। हमारे प्रशासन का काफी अच्छा ये सराहनीय प्रयास है कि इस तरह की नारी चौपाल आयोजित करके ना सिर्फ महिलाओं के प्रयासों को यहाँ सुना जा रहा है, साथ में उन्हें आगे बढ़ाने के लिए भी इस तरह के सतत प्रयास किए जा रहे हैं। और अगर मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करूं तो संस्थान ने एक नवाचार करते हुए बेटी पानी पेड़ और पर्यावरण थीम के साथ बेटी के जन्म पर पौधे लगाना, साथ में जैसे बच्चे के जन्म पर जन्मोत्सव होता है सेम उसी तरह से उसके जन्म पे भी कुआ पूजन आयोजित करना, बेटी के जन्म के साथ हमने रक्षाबंधन को भी पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने का काम किया। बेटी के जन्म पर जो पेड़ लगे उन पेड़ों के ऊपर रक्षाबंधन पर बच्चियां रक्षा सूत्र बांधकर और राखी का पर्व मनाती हैं। ये कुछ नवाचार सतत प्रयासों से बांसुर में रहकर युवा जागृति संस्थान ने आप सभी के सहयोग से किया है। सतत इसी प्रकार निरंतर तरीके से आगे भी हम प्रयास करते रहेंगे। मैं इस मातृशक्ति के प्रयासों को फिर से नमन करता हूं और अपने विचारों को यही विराम देता हूं। जय हिंद जय भारत। पहले मैं घर में काम करती थी, फिर ऐसा ही समूह से जुड़कर मैंने समूह में जुड़कर बाकी बचत और निवेश का काम किया। धीरे धीरे मैंने अपना स्वयं का एक पहचान बनाई। पहचान बनाकर मैंने अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी जरूरतों के लिए अपने ही पति के लिए अपने पति पर निर्भर नहीं थी। आज मैं स्वयं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। हमने 380 समूहों को 80 समूहों से 500 महिलाओं को मिलकर FPOM फेडरेशन चलाया। कल तक हमने अपनी जरूरतों के लिए लोन के लिए कहीं जाना पड़ता था और उनके लिए हमें कहीं मिल भी नहीं पाता था। आज हम समूह में लोन के लिए समूह में जुड़कर लोन को आसानी से प्राप्त लोन मिल पाता है। हमने 500 महिलाओं की एक कंपनी 500 महिलाओं की कंपनी बनाकर हमने FPO फेडरेशन चालू किया और आज हमने इस बार इस दिवाली पर हमने गोबर से दिए बनाकर हमने इसी समूह में मतलब महिलाओं को रोजगार प्राप्त हुआ और हमारे इस समूह में इस साल हमने 2 वर्षों से
लगभग 2 सालों से ही हमने 40 लाख रुपए से विकसित कार्य किया। अब मैं सभी बहनों को यह कहना चाहूंगी कि आप भी आगे बढ़कर अपने पैरों पर खड़ी हो और इस तरह स्वयं को अपनी पहचान बनाने की वो प्रेरणा मिले। चेयरपर्सन श्री नीता सज्जन मिश्रा जी, समस्त उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, सभी अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित सभी अधिकारी कर्मचारी एवं मातृशक्ति को मेरा नमन। एक बहुत प्रसिद्ध संस्कृत की श्लोक है, यत्र नारस्य पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जहां महिलाओं का सम्मान है देवता वहीं रमण करते हैं। हमारे देश की बहुत प्राचीन संस्कृति रही है कि महिलाओं को अधिकाधिक सम्मान दिया जाए, उनको पुरुष से ऊपर दर्जा मिला है, लेकिन किन्हीं कारणोंवश जो हमारी कुरीतियां थी, जो हमारी पुरानी चली आ रही प्राचीन परंपराएं थी, जिस वजह से हमारा समाज पुरुष प्रधान हो गया और महिलाओं की स्थिति बदतर होती चली गई। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे जिले में इस तरह की नारी चौपाल का आयोजन किया जा रहा है, जिससे महिला सशक्तिकरण को एक नई ऊर्जा मिल सकती है। महिला और पुरुष एक ऐसे पक्षी के दो पंख के समान है, जिसमें यदि एक पंख ने बराबर अपना सहयोग नहीं दिया तो वो पंछी उड़ नहीं सकता और आसमान की ऊंचाइयां छू नहीं सकता। आप सभी हमारे देश की, दुनिया की आधी आबादी है। जब तक आप सब कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों का साथ नहीं देंगे, तब तक हमारा देश किसी भी हालत में समृद्ध नहीं हो सकता, विकास नहीं कर सकता। इसी कड़ी में हमारे जिले के इस नवाचार के तहत, सक्षम अलवर के तहत हम लोग नारी चौपाल का आयोजन कर रहे हैं। सक्षम का अर्थ है समता, इक्वालिटी, बराबर का, सबको बराबर का दर्जा, क्षमता, कैपेसिटी बिल्डिंग, हम किस तरह से अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। और तीसरा है ममता, जो मातृशक्ति से जुड़ा हुआ है, आप लोगों से जुड़ा हुआ है। तो उस ममता कंपोनेंट के अंतर्गत आज हमने हमारे यहाँ नारी चौपाल का आयोजन किया है और सभी आयोजकों को, सरपंच साहब को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इतना बढ़िया आयोजन किया है यहाँ पर और इतनी बड़ी संख्या में आप लोग सब यहाँ मौजूद हैं, भागीदारी निभा रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो नारी चौपाल आयोजित की जा रही है उसका उद्देश्य है कि आपको सभी विभागों की महिलाओं से जुड़ी हुई सारे स्कीम्स के बारे में हम लोग अवगत कराएं। हमारे यहाँ पर सभी विभागों की स्टॉल्स हमने लगाई हैं, जिस पर पैम्पलेट्स, बुकलेट्स आपको उपलब्ध रहेंगी। आप किसी भी विभाग से जुड़ी हुई को भी जानकारी चाहते हैं तो हमारे कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनसे अपने अपने से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी आपको परेशानी हो तो हमारे हेल्प डेस्क से आप लोग उसका निराकरण करवा सकते हैं। और इस नारी चौपाल की सफलता तभी होगी जब आप लोग इसका पूरा इस्तेमाल करेंगे, पूरा लाभ उठाएंगे। हमारे सभी विभाग, चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, सामाजिक कल्याण विभाग, महिला सशक्तिकरण विभाग, महिला एवं बाल विकास, इन सभी विभागों से जुड़ी, आपसे जुड़ी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो सरकार दे रही है, लेकिन केवल हमें जानकारी का अभाव होने के कारण हम लोग उनका फायदा नहीं उठा पाते हैं। और नारी को सशक्त करने की आवश्यकता मैं नहीं समझता कि है, क्योंकि हमारे यहाँ बानसूर में आप लोग अगर राजनीतिक तौर पर सशक्तिकरण की बात करें तो हमारे यहाँ की MLA जो है, विधायक महोदया श्रीमती शकुंतला रावत, जो आज बहुत बड़े मंत्री पद पर भी हैं, वो स्वयं एक महिला है। हमारे यहाँ की पंचायत समिति की प्रधान श्रीमती सुमन यादव जी, वो स्वयं महिला है। हमारे बानसूर नगर पालिका की चेयरपर्सन
श्रीमती नीता सज्जन मिश्रा जी, वो स्वयं महिलाएं, जब हमारे यहाँ की सबसे बड़ी पोस्ट पे राजनीतिक तौर पर बैठी हुई महिलाएं, राजनीतिक पोस्ट पर बैठी महिलाएं हमारे बीच मौजूद है, तो राजनीतिक तौर पर हमारे जागृति के लिए, हमारी जागरूकता के लिए इससे बड़ा उदाहरण, इससे बड़ी प्रेरणा नहीं हो सकती है। जब ये लोग इस तरह से इस मुकाम को हासिल कर सकते हैं, तो शायद आप सब में से प्रत्येक महिला इस मुकाम पर पहुंच सकती है। आर्थिक तौर पर सशक्तिकरण के लिए हमारे यहाँ पर अभी युवा जागृति संस्था से गोकुल जी ने आपको बताया कि किस तरह से 500 हमारी 380 राजीविका के तहत, नाबार्ड के तहत हमारे स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं, और उससे जैसे अभी आपके सामने दो तीन महिलाओं ने आकर बताया भी कि किस तरह से आज वो अपने आर्थिक तौर से सशक्त है, उनको किसी के आगे पैसे मांगने नहीं पड़ते, वो खुद सक्षम है, अपने स्तर पर अपने खुद की कमाई करती हैं और उससे उनको आर्थिक संबल प्राप्त हुआ है। तो इस तरह की बहुत सारी हमारी आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भी स्कीम्स गवर्नमेंट ने चलाई है, जिसकी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप खुद भी आर्थिक सशक्तिकरण प्राप्त कर सकते हैं, SHG बना सकते हैं, स्वयं सहायता समूह, राजीविका, नाबार्ड के माध्यम से आपको बहुत आसानी से लोन प्राप्त होता है, आपको प्राप्त कर सकते हैं और अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। अगर हम लोग बात करें तो फिजिकली कितना हम लोग सशक्त हैं, तो हमारे यहाँ पर बहुत सारी स्कीम्स विशेष तौर से महिलाओं के लिए, चाहे वो उड़ान स्कीम हो, चाहे राष्ट्रीय स्कीम हो, मातृ वंदना योजना हो, हमारे चिकित्सा विभाग की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसका आप लाभ उठा सकते हैं, जिससे आपको आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा दी जाती है, और इन अनीमिया मुक्त भारत है, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जिससे महिलाओं से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, उनका समाधान, उनका इलाज, उनके लिए हमारे सरकार के सारे कर्मचारी, अधिकारी, हम सब तत्पर हैं आपकी सहायता के लिए, और उसका आप लाभ उठा सकते हैं। तो हमारे जो भी स्कीम्स हैं, मैं चाहूंगा आपसे निवेदन है कि केवल आप खुद के लिए ही नहीं, अपने जो आपके साथी हैं, जो आपके घर परिवार के लोग हैं, उनको भी आप लोग आज इस शिविर से, इस चौपाल से कुछ सीख कर उन तक भी आप ये जानकारी पहुंचाएं, जागरूकता पहुंचाएं, ताकि वो भी इन स्कीम्स का फायदा उठा सकें और सशक्त बन सकें। और इसके बाद हम लोगों ने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी यहाँ रखी है, ताकि आप लोगों को हम ये भी दिखा सकें कि किस तरह से किसी भी अनफोर्सिन सिचुएशन में, किसी भी इस तरह की कोई आपके साथ घटना घटित ना, उसके लिए आप किस तरह से सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा कर सकते हैं। ये सारे हमारे स्कीम्स आप प्लीज इनको आज पूरा इस नारी चौपाल का फायदा उठाएं, और चौपाल का मतलब केवल एक तरफ से ही संवाद नहीं, इसका मतलब है दोनों तरफ से संवाद। जिस तरह से हम आपको कुछ बता रहे हैं, हमारे किसी भी विभाग की कोई भी स्कीम आपको यहाँ से मंच के माध्यम से बताई जा रही है, अगर आपको कोई भी उसमें डाउट है या कोई भी आप क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, तो माइक हम लोग सर्कुलेट कर रहे हैं, आप जिस भी वक्त आपको कोई शंका हो, कोई आपको सवाल हो, आप निसंकोच उसी समय उसके बारे में पूछें। और इसके साथ ही हम लोग एक घूंघट प्रथा हटाने के लिए, पर्दा प्रथा के विरुद्ध हम लोग एक शपथ भी अभी करवाएंगे, तो आप सबसे भी निवेदन रहेगा कि आप सब आगे आइए, घूंघट मुक्त, पर्दा मुक्त बनने की शपथ लें और उसको अपने जीवन में उतारें। और चूंकि अभी कोरोना का टाइम आ रहा है, धीरे धीरे कोरोना वापस पैर पसार रहा है, तो हम लोगों ने अभी यहाँ माइक, हमारे यहाँ से मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट करवाए हैं। कृपया जब भी अब आप लोग आगे आने वाले समय में कहीं जाएं, भीड़ भाड़ वाली जगह या बाहर निकले, तो कृपया जैसे पहले कोविड के समय हम लोगों ने मास्क इस्तेमाल किए थे, दोबारा हम लोग वो इस्तेमाल करें, ताकि जैसी भीषण भयावह स्थिति पहले कोरोना के वक्त हुई थी, दोबारा ना हो। तो इसी के साथ मैं अपने शब्द को विराम दूंगा, धन्यवाद। सम्मान, तो आपको बता दें, जब भी आप महिला थाना, कोई जरूरी नहीं है आपके साथ कोई घटना हो रही है, तो आप फोन कर दें, हम आपके घर आके ही महिला ऑफिसर साथ लाएंगे, समस्या को सुन के वहीं से चालू कर देंगे, आपका थाना आना भी जरूरी नहीं है। नंबर एक बात,
नंबर दो है कि आप जो आपके स्टेटमेंट बयान देंगे वो महिला ऑफिसर ही आपके स्टेटमेंट लेखबद्ध करेगी। नंबर दो, अगर घटना में आपके साथ कोई चोटकारित हुई है तो उसका भी डॉक्टर महिला ऑफिसर ही होगी जो आप खुल के आपके चोटों को बता सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। नंबर तीन चीज आपको बताएंगे कि आप यहाँ पर जैसे कोई ग्रामीण बच्ची है आपकी 1 साल से लेके 18 साल तक की, तो 18 से कम जो भी महिला है या बच्ची है आपकी, उसके माँ बाप ही उसकी धरोहर है, उसकी सहमति कोई मायने। ग्रामीण कल्चर में क्या होती है, किसी बच्ची को वेला फुसला के ले गए तो होता क्या है कि वो अमूमन ये कहते हैं ना भाई बच्ची कैसे भी हमारे पास आ जाए। नहीं, आप उसके भगवान है, ईश्वर है, वो 18 साल से कम उम्र की बच्ची है, उसकी सहमति कोई मायने नहीं रखती। तो इससे क्या है, उनका आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता है और वो किसी भी समस्या में का सामना करने से घबराने लग जाती है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि अपनी बच्चियों को आप रोका टोकी कम करें कि तू लड़की है तू ये नहीं कर सकती। तो ये जो भेदभाव वाली जो बातें हैं वो अब इस समय खत्म हो जानी चाहिए, तभी वो इतनी निडर हो जाएंगी कि हर समस्या का समाधान खुद खोज लेंगी और जवाब भी देंगी निडर होकर। ऐसी बात नहीं है कि उनको सशक्त बनाना पड़े, ये योजना सरकार को चलानी पड़े, ऐसी समस्याएं नहीं आएंगे अगर आप सभी महिलाएं अपनी बच्चियों को ये चीज सिखाएं कि डरना नहीं है और वो कुछ भी कर सकती हैं, ये भावना उनके अंदर भर दी जाए। तो ये जो 2012 में जो निर्भया कांड हुआ था उसके बाद से ही स्कूलों में ही, क्योंकि हमारी स्कूलों में जो बच्चियां आती हैं वो ज्यादातर गरीब तबकों से, सरकारी स्कूलों की बात कर रही हूँ, वैसे बाकी लड़कियों को भी सभी के लिए जरूरी है आत्म रक्षा के कुछ ऐसी टेक्निक सिखाई जाए जिससे कि लड़कियां रेप जैसे, बलात्कार जैसे, छेड़छाड़ जैसी घटनाओं को और ऐसी विषम परिस्थितियों में फंसी होती हैं तो वहां अपने आप को बचा सके। तो उसी में से कुछ टेक्निक हैं जो हम आपको बताएंगे। बिल्कुल जी हाँ, आत्मरक्षा प्रशिक्षण हमारे स्किल को बहुत बढ़ा देता है। इसी आत्मरक्षा प्रशिक्षण के दौरान हम अपने शरीर को खतरनाक हथियार में बड़ी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। जैसे ही हमारा आत्मविश्वास कमजोर होता है या हम सतर्क नहीं होते तो हम इजी टारगेट होते हैं, हमलावर हम पर आसानी से हमला कर सकता है। आप जब भी चले सतर्क होके चले, अपने ज्ञानेंद्रियों को खोलकर चले, हमारे इर्द गिर्द परिवेश में क्या घट रहा है, क्या घटनाएं हो रही है उनके प्रति सूचित रहें। फोन पर बात करते समय, रोड क्रॉस करते समय हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम किस स्थिति में हैं। ये तो बात है मानसिक आत्मरक्षा की, लेकिन हर वक्त हम हथियार लेकर के नहीं घूम सकते, या मैं कहूँ कि हथियार रखने के लिए हमें लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। ये एक जटिल प्रक्रिया होती है। हम अपनी रक्षा के लिए विपरीत परिस्थिति में अपने शरीर को ही एक खतरनाक हथियार में बदल सकते हैं। तो मेरे साथियों के द्वारा अभी यहाँ पे प्रस्तुत किया जाएगा कि हम अपने शरीर को खतरनाक हथियार में किस तरीके से बदलेंगे। मैं आप लोगों से सहयोग चाहूंगी कि कोई भी एक सखी यहाँ आए ताकि आपको विश्वास हो जाए कि मैं भी ये कर सकती हूँ। ये सेल्फ डिफेंस ट्रेनर है, आत्मरक्षा प्रशिक्षण लगभग 2015 से मेरे साथ ले रही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप घर जाके बोले कि मुझे आत्मरक्षा आती है, मुझे अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लेनी है। प्रशासन, समाज, पुलिस हमारे साथ हमारी रक्षा के लिए खड़ा है, लेकिन हमसे बेहतर हमारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। तो आप लोगों में से कौन आ रहा है? कंचन सैनी यदि रास्ते में जा रही है और किसी ने कंचन सैनी का हाथ पकड़ लिया, अमूमन हम चलते हुए किसी अपराधी के द्वारा हमारा हाथ पकड़ लिया जाए तो हम दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि अटैक करने वाला निश्चित रूप से हमसे ताकतवर होगा। कमजोर सा मरा गिरा दुबला पतला आदमी या औरत हम पे हमला करेगा ही नहीं। तो हम यदि ताकत के बल पर हाथ छुड़ाएंगे तो हम छुड़ा नहीं पाएंगे, लेकिन टेक्निक के बल पर अपना हाथ छुड़ाएंगे तो बहुत आसानी से छुड़ा पाएंगे। तो आपके सामने डेमो,
मान लीजिए किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, बहुत आसान है, यदि मैं ताकत के बल पे हाथ छुड़ाऊंगी तो शायद छुड़ा ही नहीं पाऊंगी। यहाँ पर विराजमान मेरे भाई लोग भी अगर इस एक्सपीरियंस को देखना चाहें कि क्या मैं उसे अपना हाथ छुड़ा सकती हूँ, तो मोस्ट वेलकम। मैं अपना हाथ छुड़ाने के लिए एक तकनीक का इस्तेमाल करूंगी और बहुत आसानी से हाथ छुड़ा पाऊंगी। आपको हाथ छुड़ाने के लिए आप देखेंगे हमारी उंगलियां चार है और अंगूठा एक है। आप जब भी हाथ का लॉक खोले तो अंगूठे की तरफ से खोले, आसानी से खुल जाएगा। एक बार वापस हाथ पकड़ा, अगर मैं ऐसे छुड़ाऊंगी तो छुड़ा नहीं पाऊंगी, लेकिन मैंने अंगूठे की तरफ से छुड़ाया तो बहुत आसानी से छुड़ाया। अभी कंचन सैनी आपको करके बताएगी क्या वो मैडम से हाथ छुड़ा पाती है। अंगूठे की तरफ से लॉक खोले, हाँ जोर है, हाँ वेरी गुड, क्लैप हो जाए। ताकतवर हमलावर से छुड़ा सकती हूँ, क्या आप सहमत हैं? इसको हम घर जाके करेंगे। और दोस्तों हंसी मजाक में कभी भी टेक्निक्स का प्रयोग नहीं करना, आवश्यकता होने पर ही इन टेक्निक्स का प्रयोग करना है। जब भी एक बार उन्हें देख ले, जब भी किसी ने हमारा हाथ पकड़ा तो हमें अपना हाथ अंगूठे की तरफ से छुड़ाना है। ये बहुत आसान तकनीक है। दूसरी टेक्निक आपके सामने, मैम पहले आ पाओ, पीछे से पकड़ो। यदि हमलावर हमें पीछे से पकड़ ले, देखिए हमलावर यदि हमें चलते हुए पीछे से पकड़ ले तो हमें अपने आप को किस तरीके से छुड़ाना है। आप देखेंगे, हमलावर यदि हमें पीछे से पकड़ लेता है तो देखिए बहुत आसान सी बात मैं आपको बताने वाली हूँ, आपको सबको आती है। हम रोज ब्रश करते हैं, अरे आवाज तो आनी चाहिए, ब्रश करते हैं तो ब्रश ऐसे ही करते हैं ना, तो क्या मैं इस ब्रश को टेक्निक नहीं बना सकती? बना सकती हूँ। बहुत आसान तरीका एल्बो अटैक। आप यदि आपके पीछे कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा है जिसका खड़ा होना आपको अच्छा नहीं लग रहा तो अपने एल्बो अटैक से आप उसको हटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं। दूसरा अटैक आप उसको, हाँ ये तो है, अगर ये भी नहीं है आपने थोड़ा ढीला किया है ना, ढीला किया है, आप पीछे आ गए, बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, उसके पैर को पकड़ने की कोशिश करेंगे और गिरा देंगे। देखिए हमलावर हमें आगे से पकड़ेगा या पीछे से पकड़ेगा, इस टेक्निक को एक बार मैं बता दूं। देखिए यहाँ पर सीखना है, हमलावर ने हमें ऊपर से पकड़ा या हमारे हाथ छोड़े हैं। शरीर का हर अंग अपने आप में हथियार है, आपके हाथ, आपके पैर, आपके दांत, आपका थूक, आपकी आवाज, सब चीज एक हथियार के रूप में है। तो आप देखें कि हमलावर ने मुझे ऐसे पकड़ा है तो मेरे शरीर का कौन सा अंग ऐसा है जिससे मैं वार कर सकती हूँ। फिर से भी मार सकते हैं पीछे, हेलो आपने देखा ये भाई आप आओ मैम, अब इनको कर ले तो आप आ जाओ। हमलावर ने हमें कंधे से पकड़ा तो हम अपना बचाव किस तरीके से करेंगे? हम जिधर भी चाहे उधर घूम जाएं। आप ऐसा नहीं कि मैं इधर घूमूं या इधर घूमूं, जिधर भी आपका मन करे उधर घूमे और हमलावर के हाथ ब्लॉक कर दें। तो घूमिए, बचाव करें आप। हाँ ये दूसरा हाथ आपका खुला, पंच मार दो, मुक्का मारो मुक्का, हमलावर को छोड़ना नहीं है। दोबारा वापस करके देखें मैडम, जोरदार पकड़ लो अच्छे से,
आपको सोचना है कि एक बहुत बुरा आदमी आपके पीछे खड़ा है और आपको परेशान कर रहा है, अब अपना बचाव आपको कैसे करना है। कोई नहीं, ये सेल्फ डिफेंस ट्रेनर है, इनको छोटी मोटी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए यहां पर एक चीज और याद रखनी है, आपकी आवाज बहुत पावरफुल हथियार है। जब भी आप हमला करें तो तेज आवाज में चिल्लाएं नो, या जो भी आप बोल सकते हैं वो बोलिए, बचाओ, नहीं, हूँ, खेप, जो भी शब्द आपके समझ में आता है आवाज जरूर निकालनी है। तो मैंने ये टेक्निक बताई कि यदि हमलावर पीछे से हमारे कंधे पकड़ ले, यदि यही कंधे आगे से पकड़ लिए जाए तो क्या किया जाए। एक बार मैडम क्या आप कंधे पकड़ लो ऐसे घूम के, ऐसे भी तो कोई पकड़ सकता है ना। यदि हमलावर हमें आगे से पकड़ ले तो हम अपना बचाव किस तरीके से करेंगे। दोनों हाथ मैडम ढंग से पकड़ो ऐसे नहीं, हाँ। चलिए एक और आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। ये हमलावर ने ठाना हुआ है कि मुझे छोड़ेगा नहीं, लेकिन हमलावर से मैं बहुत आसानी से छूट सकते हूँ, मुझे ताकत ही नहीं लगानी। देखिए जैसे मैं बैठी इसकी ग्रिप ढीली हो गई, और ग्रिप ढीली होते ही मुझे इसके हाथ जो ठीक से हटाने हैं और इसके पैर पकड़ के पीछे गिरा देना है। बहुत आसान है, वापस करो वो भी हेल्प कर सकते हैं, पर ग्रिप छुड़ाने के लिए। तो ये छोटी छोटी टेक्निक है, लेकिन इन टेक्निक से हम हमलावर की ग्रिप से बहुत जल्दी बच सकते हैं। और मैं छोटी टेक्निक आपको बताती हूँ। हम रोज दरवाजा धक्का देके खोलते हैं ना, तेज धक्का मारते हैं, तो इस पे धक्का ऐसे भी तो मार सकते हैं हमलावर के, उस पे आ गया नहीं मारो। मारने का तरीका ये हथेली, इससे बहुत जोरदार लगते हैं, यहाँ मार सकते हैं, यहाँ मार सकते हैं, बीच नीचे बैठे हो तो यहाँ मार सकते हैं, या ऐसा कहते हैं कि पुरुष का ये जननांग सबसे ज्यादा कमजोर होता है। मुसीबत आने पे वार करें, हंसी मजाक में शरारत में कभी इन टेक्निक का प्रयोग ना करें। तो ये आपको ध्यान रखना है, शरीर के नाजुक हिस्सों पे वार करना है, और ये टेक्निक बहुत आसान है। मैंने धक्का मारा दरवाजे को, उसी टेक्निक को मैंने एल्बो अटैक में बदल दिया। आपको सबको ये सब आता है ना। तो आप देखिए जब मुसीबत आए तो आपको एल्बो अटैक करना है। दूसरा मैंने आपको सिखाया ये पाम हिल स्ट्राइक एल्बो अटैक। आप यहाँ खड़े हैं ऐसे भी मार सकते हैं, यूं भी मार सकते हैं, ठीक है, पीछे घूम के भी मार सकते हैं। सारे आपको टेक्निक आती है, देखो मेरे से भी ज्यादा आती है, गर्दन हिल रही है, आती है कि नहीं आती है, आती है ना, ठीक है। और है मेरे इतना आराम से मैं मार सकती हूँ, बड़ा मार के बताओ, मार सकते हैं। दूसरा किक मारो, किक मार सकते हैं, पंच। तो ये कुछ टेक्निक है, सिंपल टेक्निक्स, जिनको आप अभ्यास से सीख सकते हैं। जिस तरीके से जल में रहने वाले जीव को तैरना आना चाहिए, उसी प्रकार समाज में रहने वाले हर व्यक्ति को अपनी आत्मरक्षा करनी आनी चाहिए। तो ये प्रशिक्षण आप जरूर लीजिए, अपने बच्चों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण जरूर दीजिए। घर से बाहर निकलते वक्त कुछ चीजें अपने पर्स में जरूर रखिए, जैसे मिर्ची पाउडर, सुई धागा, पिन, सिर की पिन, सेफ्टी पिन बहुत काम की है। आपका स्कार्फ या आपका दुपट्टा, ये आपके इमरजेंसी टूल्स है। आपके पास जो भी चीज है, आपका मोबाइल, आपकी पानी की बोतल, आपका पर्स, मुसीबत आने में उसी को ही एक हथियार बना लीजिए। अपना बचाव कीजिए, सुरक्षित जगह पर जाएं, और हम कोशिश करें कि विपरीत परिस्थिति में अपना बचाव करके हम उसकी सूचना जरूर दें, क्योंकि बिना सूचना के हम बहुत सारी चीजों को बता नहीं पाते, उन क्राइम्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि किस तरह के क्राइम वर्तमान में हो रहे हैं।
आपके पास जो भी है उसी को हथियार बनाना सीखना है। आप अपने साथ ये सारी चीजें लेकर के निकले, सुरक्षित रहे, आत्मविश्वास के साथ जिए। बातें कर रहे हैं आपस में, लेकिन हमने इसके साथ नारी शब्द को जोड़ दिया है कि नारियां पुरुषों से कम नहीं है, वो ज्यादा आगे बढ़ सकती है। इसलिए नारी चौपाल है, जहां महिलाएं आएंगी, उनको सारी मदद, सारी योजनाओं के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, वो अपनी बात आगे रख सकती है। इसलिए हम आपको बार बार प्रेरित कर रहे थे कि आपको अगर कोई समस्या हो, कुछ भी बोलना हो, अपने आप कोई भी एक्सपीरियंस शेयर करना हो हमारे साथ, तो आप आ सकते हैं इस मंच पे, माइक पे बोल सकते हैं। और आपको शर्माने की जरूरत नहीं है कि कौन क्या सोचेगा, मैं कैसे बोलूं, मैंने आज तक बोला नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जैसे किसी और से बातचीत करते हैं वैसे ही आप माइक पे आके आराम से बोल सकते हैं। तो नारी चौपाल का उद्देश्य ही यही था कि आप आएंगे, आप बताएंगे, और ये वन वे कॉन्वर्सेशन नहीं होना चाहिए था। तो मेरे उद्बोधन के बाद मैं ये एक्सपेक्ट करूंगी कि काफी महिलाएं आएंगी और अपनी बात रखेंगी। इसके अलावा मैं ये बोलना चाहती हूँ कि नारी चौपाल में आप अपने साइड में देख रहे होंगे, टेबल में काफी लोग ऐसे बैठे हुए हैं, ये काउंटर्स आपके लिए ही लगाए गए हैं, अलग अलग विभागों से लोग यहाँ बैठे हैं। अगर आपकी आधार की प्रॉब्लम है, राशन की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है, कुछ भी है, आप इनको बता सकते हैं। अगर किसी चीज की जानकारी आपको चाहिए कि मेरे पड़ोसी ने अपने घर में काम करवाया, मैं कैसे कर रहा हूँ, कोई भी सवाल हो आप इनसे पूछ सकते हैं, आपको बताएंगे, इसी के लिए बैठे हुए हैं। दूसरी बात ये है कि आज आप ये नारी चौपाल में आए हैं, तो इसके बाद आपको अपने आपको आपको ये ध्यान रहे कि आगे कोई भी घटना हो आपके गाँव में, किसी किसी और महिला के साथ हो, किसी के साथ फैमिली में हो, किसी पड़ोसी के साथ हो, तो आप ये याद रखिए कि आप अकेले नहीं हैं, आप मदद ले सकते हैं, दूसरे की मदद कर भी सकते हैं। अगर आप सिर्फ किसी भी अधिकारी के पास आ जाए, किसी ऑफिस में आ जाए, थाने में आ जाए, अगर आप अपनी बात रखेंगे तो सब आपकी मदद करने के लिए रेडी है। तो कभी भी अपने को अकेला महसूस नहीं करना है। दूसरी बात ये है कि आपकी बेटियां होंगी तो हमेशा उनको प्रोत्साहित करें कि वो पढ़े, आगे बढ़े, खुद के लिए वो मतलब अपनी खुद कमाई कर पाए, वो किसी पे निर्भर ना रहे, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है। अगर हम किसी पे निर्भर हो जाते हैं तो हमारे पास वो पावर नहीं रहती है। तो आप महिलाएं हो के आपको याद रखना चाहिए कि महिला शक्ति इतनी बड़ी होती है, हम किसी से कम नहीं होते। अगर हमने कोई ठान लिया है कि हमें ये चीज करनी है तो हम वो कर सकते हैं, हम जरूर कर सकते हैं। कोई इच्छा है मन में कि हमें ये काम करना है, हमें ये बनाना है, हमें बाहर जाना है, तो हम जरूर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी याद रखने की जरूरत है कि महिला और पुरुष एकदम बराबर है। जैसे एक वाहन होता है, उसके दो पहिए होते हैं, तो वाहन दोनों पहियों के साथ ही चल सकता है। तो साथ में अगर महिला पुरुष ही साथ में चलेंगे तभी पूरा देश ही आगे बढ़ सकता है, एक पहिए पे वो चल नहीं सकता है। तो हमें महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ना है, उस पर जोर देना है, और जो भी हम चाहते हैं वो कर सकते हैं। कभी भी खुद को अकेला नहीं महसूस करना है, मदद मांगनी है, आगे बढ़ना है, अपनी बात आगे रखनी है, शर्माना नहीं है बिल्कुल भी। घूंघट महिलाओं के आत्मविश्वास में कमी लाता है एवं हीन भावना उत्पन्न करता है, हीन भावना उत्पन्न करता है, जो कि किसी भी शिक्षित और सभ्य समाज के लिए उचित नहीं है, उचित नहीं है। घूंघट से महिलाओं की आजादी को भी ठेस पहुंचती है, आजादी को भी ठेस पहुंचती है। इसलिए मैं ना तो घूंघट निकालूंगी और ना ही घूंघट निकलवाऊंगी और दूसरों को भी घूंघट न निकालने के लिए प्रेरित करूंगी। जय हिंद। योजनाओं के बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगी। इसमें सबसे पहले मुख्यमंत्री महोदय की एक महत्वाकांक्षी योजना उड़ान योजना है। उड़ान योजना का मुख्य उद्देश्य 10 से 45 वर्ष की के अंतर्गत इस समूह में आने वाली प्रत्येक बालिका एवं महिलाओं को निशुल्क सैनिटरी नैपकिन प्रदान करना है। इस
इसके अलावा इसका उद्देश्य, उड़ान योजना का उद्देश्य आज सभी महिलाओं में महामारी स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूकता लाना है। साथ ही उन्हें प्रेरित करना है कि वह सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करें एवं महामारी से जो भी संबंधित जो भी कुरीतियां हैं उनसे निजात पाएं। उड़ान योजना के अंतर्गत प्रत्येक महिला को प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं, जो आंगनवाड़ी केंद्रों पर एवं विद्यालयों के द्वारा आपको प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा मैं इंदिरा महिला शक्ति योजनाओं के बारे में आपको बताना चाहूँगी। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण योजना है शिक्षा सेतु योजना। शिक्षा सेतु योजनाओं के तहत ऐसी ड्रॉपआउट बालिकाओं एवं महिलाओं को शिक्षा से जुड़ने का अवसर प्रदान किया जाता है, जो अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ चुकी हैं, किसी कारणवश उन्हें विवाह हो गया है या अन्य किसी कारणवश उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी है। इसके तहत स्टेट ओपन से आप सभी को निःशुल्क 10वीं एवं 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने का मौका प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत आपको एक बार फॉर्म भरने पर 5 वर्ष में परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 9 अवसर प्रदान किए जाते हैं। बांसूर में सेकेंडरी स्कूल बांसूर में इसका संदर्भ केंद्र स्थापित किया गया है। वर्ष में 2 बार आप इसके आवेदन 2 बार सत्र चलते हैं, जहां जाकर आप आवेदन कर सकते हैं, वहीं इनका फॉर्म ऑनलाइन किया जाता है। इसके अलावा इंदिरा महिला शक्ति योजना के अंतर्गत एक और योजना है निःशुल्क RSCIT योजना। RSCIT योजना के अंतर्गत 16 से 40 वर्ष की महिलाओं को, जो इसके लिए योग्यता यह है कि वह 10वीं बार उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसके अंतर्गत सभी महिलाओं को निःशुल्क RSCIT कोर्स करवाया जाता है। इसके अलावा अन्य योजना है RSTFA योजना, राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन फैसिलिटिंग अकाउंटेंट। इसके अंतर्गत आपको टेली सॉफ्टवेयर एवं अकाउंटिंग की कंप्यूटर पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यह 3 माह का कोर्स होता है। यह भी सरकार द्वारा आपको निःशुल्क प्रशिक्षण करवाया जाता है। इसके अलावा कौशल सामर्थ्य योजना है। कौशल सामर्थ्य योजना के अंतर्गत जो भी ये लघु उद्योग है, जैसे पापड़ उद्योग, पापड़ बनाना, सिलाई कढ़ाई बुनाई के जो प्रशिक्षण आपको आवासीय और गैर आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक उद्यम प्रोत्साहन योजना है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को व्यक्तिगत श्रेणी में भी एवं स्वयं सहायता समूह स्तर पर भी 1 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए आपको अपनी पर्सनल SSO ID से ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इसके अंतर्गत जो भी महिलाएं आवेदन करती हैं, इनका आवेदन विभाग द्वारा स्वीकृति मिलने के पश्चात बैंक के पास पहुंचाया जाता है, और बैंक से स्वीकृति मिलने के बाद उन्हें 25% से लेकर 30% तक की सब्सिडी इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाती है। धन्यवाद। योजनाओं के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले जब न्यूली मैरिड यानी कि पहली बार शादी होती है तो अपने को महिलाओं को, जब पहली बार महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके जब हमारे को विभिन्न प्रकार के जो प्रिकॉशन लेने होते हैं, सबसे पहले अपने को जब जितनी जल्दी महिलाओं को जैसे टिटनिस का इंजेक्शन लगाना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब डिलीवरी के टाइम पे महिलाओं को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाया जा सकता है, क्योंकि इससे क्या नॉर्मली जो टिटनेस होता है वो गंदगी के कारण होता है, तो डिलीवरी के टाइम पे विभिन्न प्रकार की जो गंदगियाँ होती है उस वजह से टिटनेस ऑक्साइड हो जाता है, तो इस वजह से इंजेक्शन गर्भवती महिलाओं को लगवाना चाहिए। उसके बाद में महिलाओं को जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ते जाती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, उसमें एनीमिया यानी कि खून की कमी होती है, तो इसके लिए गर्भवती महिलाओं को जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है 3 महीने बाद में, तो आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट लेनी चाहिए और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फोलिक एसिड लेना चाहिए। इससे विभिन्न प्रकार की जो बच्चे में एबनॉर्मलिटी पैदा होती है वो एबनॉर्मलिटी नहीं होंगी, तो ये दवाइयाँ प्रेगनेंसी के टाइम पे लेते रहना चाहिए। और हर महिलाओं को प्रेगनेंसी में कम से कम 4 बार
अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे जाके अपना चेकअप करवाना चाहिए। वैसे तो आप चाहे तो कम से कम हर महीने एक बार चेकअप करवा सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 4 बार करवाना चाहिए। इससे जो अपने कॉन्टैक्ट में आशा होती है या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती है वो इस काम के लिए हर गांव और हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लगाई हुई है। इसके बाद में जब डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के टाइम पे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो गाइडलाइंस है, जैसे कि महिलाओं को एम्बुलेंस की सुविधा 108 नंबर पे कॉल करने के बाद में जैसे घर पे जैसे ही उनको पेन चालू होता है तो 108 पे आप कॉल कर दोगे तो आपको घर पे हर मतलब मैक्सिमम आधे घंटे में आपके घर पे एम्बुलेंस आएगी और आपको ले जाएगी और आपकी सेफ डिलीवरी करवाएगी। तो सभी से यही निवेदन है कि इस प्रकार से जो भी जैसे ही पेन चालू हो तो आप 108 नंबर पे कॉल करें, आपको एम्बुलेंस होगी और वहाँ पे आपको इस प्रकार की सुविधा दी जाएगी। जैसे ही प्रेग्नेंट इसके बाद में बच्चा होता है तो बच्चा होने के बाद में आपने को इम्यूनाइजेशन करवाना होता है, तो पहले दिन से ही इम्यूनाइजेशन चालू हो जाता है। तो पहले बच्चों को जिस दिन बच्चा जन्म लेता है उस दिन बच्चे को वैक्सीनेशन चालू हो जाता है, जिसमें मुख्य रूप से हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन, BCG का इंजेक्शन, पोलियो का वैक्सीन, ये वैक्सीन लगाए जाते हैं। इसके बाद में बच्चे को 5 साल तक वैक्सीनेशन लगवाना होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के वैक्सीनेशन इसमें अवेलेबल हैं जो हमारी आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ANM वगैरह इस चीज़ को आपको बताती है। उसके बाद में जैसे ही डिलीवरी होती है तो फीमेल और मेल चाइल्ड होता है, तो फीमेल चाइल्ड होती है तो भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार राजश्री और JSY वगैरह जो स्कीम चलाई गई है इसमें अपने को पैसा दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। सरकारी संस्था में जब प्रसव होता है तो फीमेल चाइल्ड के लिए पहली जो किस्त होती है वो 2500 रुपये की, उसके बाद 1500 रुपये की किस्त दी जाती है। अगर आप प्राइवेट में करवाओगे तो ये स्कीम अवेलेबल नहीं होती है। उसके बाद में आपको भारत और राजस्थान सरकार के द्वारा जैसे MNDY, MNJY, चिरंजीवी जैसी स्कीम अवेलेबल होती है। और प्रत्येक महिला जब गर्भवती होती है तो हर महीने की 9 तारीख को PMSMA जो एक स्कीम चलाई गई है, 9 तारीख को प्रत्येक महिलाओं को चेकअप कराने के लिए हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे आप जा सकते हो, आपकी निःशुल्क जांच होती है। आशा ANM आपको इस संबंध में जानकारी देती है। और एक एनीमिया जो अभी जो एनीमिया मुक्त भारत अभियान चल रहा है, इसमें विभिन्न एज ग्रुप के जो फीमेल होती है या बच्चे होते हैं उनके लिए स्कीम चला रखी है। जैसे 0 से 65 मंथ तक यानी कि 5 साल तक का जो बच्चा या बच्ची होती है उसको हम आयरन की सीरप देते हैं, तो वो एक हफ्ते में एक बार एक बच्चे को 5 ml पिलाना होता है। और उसके बाद में जैसे 6 साल से और 9 साल तक की जो लेडी बच्चे होते हैं उनको आयरन की टैबलेट दी जाती है जो पिंक कलर की होती है। इससे बाद की जो उम्र 18 साल तक की जो उम्र होती है और 18 से 65 साल तक की एज ग्रुप की जो लेडीज होती है उनको एनीमिया से मुक्त करने के लिए भी विभिन्न प्रकार की टैबलेट दी जाती हैं, जिसमें जैसे ब्लू कलर की टैबलेट दी जाती है, ये भी वीकली एक टैबलेट दी जाती है। और मुख्य रूप से जो एंड प्रेग्नेंट लेडी होती है या फिर जो लैक्टेटेड मदर होती है, जो बच्चों को दूध पिला रही होती है, उसको ज़्यादा मात्रा में आयरन की ज़रूरत होती है, तो इसको इसलिए इनको हर हफ्ते में 2 बार टैबलेट खिलाई जाती है जो कि रेड कलर की होती है। तो इस प्रकार की स्कीम हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चालू है। इसके अलावा और सारी भी बहुत है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस TB से मुक्त कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में आपको बता दिया गया है। उसके बाद में सुमन एक कार्यक्रम चलाया जाता है। उसके बाद में नेशनल न्यूट्रिशन मिशन भी भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। और चिरंजीवी और आयुष्मान भारत से संबंधित एक जानकारी आप सभी को देना चाहूँगा। चिरंजीवी जो स्कीम है वो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है। इस गवर्नमेंट इस जो स्कीम के अंदर मतलब पहले 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर होता था, लेकिन अभी राजस्थान सरकार ने इस साल से
इस साल से इसको बढ़ा के 10 लाख रुपए तक कर दिया गया है। और विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियां जैसे लीवर ट्रांसप्लांट हो गया, नी रिप्लेसमेंट हो गया और हार्ट से संबंधित विभिन्न प्रकार की बीमारियों गंभीर का इलाज भी भारत राजस्थान सरकार के द्वारा गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटलों में फ्री है। इसके लिए जिन लोगों को 2011 में जैसे फ्री गेहूँ मिलता था, जिनकी मतलब 3 एकड़ से कम जमीन है और जो बीपीएल परिवार से आता है उनका जो बीमा है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क है। इसके अलावा भी जो लोग बच गए हैं जिनका इसके अंदर नहीं आते हैं उनको 850 रुपये दे के पूरी फैमिली का आपका बीमा इसमें कवर हो जाता है। तो सभी महिलाओं या लोगों से निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चिरंजीवी में रजिस्ट्रेशन करवाएं। इसके अलावा एक आयुष्मान भारत जो कि भारत सरकार की स्कीम है, इसके अंदर भी 5 लाख रुपए पर फैमिली पर परिवार ये इस बीमा होता है। तो इसमें भी अगर आप आयुष्मान भारत में करवा सकते हो तो ऑल इंडिया में जो कि आप कहीं पर भी निःशुल्क 5 लाख रुपए तक का जो भी आपको बीमारी वगैरह होती है उससे संबंधित इलाज करवा सकते हैं, काम तक करवा लो। और यहाँ आपको दिक्कत हो रही है घंटे दो घंटे बैठने में भी। सुमन जी आगे वाली कुर्सियों पे आओ, आगे आओ। जो भी बालिकाएं महिलाएं पीछे खड़ी हुई हैं, कुर्सियां आगे लगी हुई हैं, आगे आके बैठ जाओ। मैं अजय कुमार वर्मा, सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति बानसूर, इस नारी चौपाल के माध्यम से जो हमारे विभाग की जो महिलाओं के उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाएं हैं उसके संबंध में आपको मैं अवगत कराऊं। देखो शोर मत करो, बार बार मुझे बोलना पड़ रहा है जो अच्छा नहीं लग रहा है, सब समझदार है यहाँ पे। पंचायती राज विभाग ने नारियों के लिए बहुत कुछ किया है और उसमें हमारे विभाग की सबसे बड़ी देन है पंचायती राज विभाग, जो 1994 में पंचायती राज विभाग का नया अधिनियम चालू हुआ उसका प्रथम चुनाव 1995 जनवरी 1995 में हुआ था। उसमें महिलाओं के लिए पंचायती राज विभाग की जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, उसमें महिलाओं का आरक्षण लागू कर दिया और 50% जोरदार तालियां, 50% पद जितने भी प्रधान पंचायत जिला पार्षद उसी में से जिला प्रमुख बनते हैं, पंचायत समिति सदस्य उसी में से प्रधान नियुक्त होते हैं और हमारे सरपंच यहाँ तक कि वार्ड पंच जो पंचायत राज विभाग की छोटी सी छोटी इकाई का जनप्रतिनिधि है उसमें 50% पद आप लोगों के लिए आरक्षित हैं। उसी की देन है कि आज हमारे बीच हमारी स्थानीय पंचायत समिति की प्रधान श्रीमती सुमन यादव और हमारी एक कर्मठ और निर्भीक सरपंच श्रीमती बबीता गवर बामनवास यहाँ मौजूद है, स्थानीय पंचायत समिति सदस्य बिमला जी। और आपको पता है जैसे कि हमारे जिला परिषद में 49 सदस्य हैं, पिछली जिला प्रमुख रेखा यादव जी आप लोगों के बीच में से थी, 49 में से 25 पद और 46 में से 23 पद और हर पंचायत में चूंकि ये संख्या विषम होती है लेकिन आधे से अधिक विषम होने के बावजूद भी यही यदि 13 वार्ड पंचायत तो 7 महिलाएं होंगी। अब ये बात अलग है कि यहाँ बताने वाली बातें नहीं है कि आप अपने जो अधिकार आपको दिए गए आप उनका उपयोग नहीं करते। तो नारी चौपाल के माध्यम से मैं आपको ये आह्वान करता हूं कि जो भी हमारी महिला जनप्रतिनिधि हैं वो अपने पावर का स्वयं इस्तेमाल करें, पंचायती राज विभाग की एक सबसे बड़ी देन है। और नारी उत्थान के लिए अन्य जो कार्य है गरीब तबकों की महिलाओं के लिए जो हमारे RSEDC और लॉन्च की स्कीम है उसमें भी पूरी तरह महिलाओं को हम आगे रखते हैं और सारी योजनाएं महिलाओं के नाम से शुरू करते हैं। भारत सरकार की एक विशेष योजना प्रधानमंत्री आवास जिसको पंचायत समिति बांसुर में मैं खुद देखता हूं उसकी मॉनिटरिंग, प्रधानमंत्री आवास की कोई भी स्वीकृति केवल महिलाओं के नाम से होती है और पैसे सीधे जो पूरा अनुदान है
138,000 रुपए वो आप ही के खाते में आते हैं। किसी भी गरीब महिला को यदि उसके पास रहने का मकान नहीं है तो पूरे पैसे भारत सरकार की ये योजना है और महिलाओं के लिए पूरी तरह। आप में से ऐसी कोई गरीब महिला चाहे वो किसी भी गांव की निवासी हो और प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्र हो तो सीधे पंचायत समिति में आप हमसे संपर्क कर सकती हैं, उसका आवास हम बनवाएंगे बशर्ते कि वो उसकी पात्र हो। या आप लोगों की अब आप यहाँ पे ऐसे सोच रही थी चलो भाई हो गया काम अब तो हम घर चले जाएं, ये आपके काम की योजनाएं हैं। लोग एक दूसरे से पीछे छुपते रहते हैं, योजनाओं की उनको जानकारी नहीं होती, तो मैं खुद बता रहा हूं प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति महिलाओं के लिए है। एक अन्य योजना मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम जो कि पंचायती राज विभाग द्वारा चलाया गया है और हर पंचायत में 100 दिन साल में रोजगार की गारंटी है। अब हमारी राज्य सरकार ने उसको 25 दिन और बढ़ा दिया है। इसमें भी अमूमन मैं देखता हूं कि जितने भी हमारे श्रमिक लगे हुए हैं उसमें लगभग 80-90% महिलाएं ही जाती हैं। और एक ही बहुत ही क्रांतिकारी योजना है जो महिलाएं घर फ्री बैठी रहती थी या उनको रोजगार कहीं नहीं मिल पाता था, अब रोजगार मिल रहा है, ये पंचायत राज विभाग की देन है। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं जो भी मैट लगी हुई है या आगे कोई मैट लगना चाहता है तो जितने भी पंचायत के काम हो यदि पंचायत में एक काम चल रहा है कोई मैट पुरुष है तो पुरुष मैट वहां नहीं रहेगा। आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो, महिला मैट को प्राथमिकता है। महिला मैट 10वीं पास हो और 10वीं नहीं है तो विशेष परिस्थितियों में 8वीं पास महिला मैट को भी लगा देते हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत काम की योजनाएं हैं। हमारे यहाँ आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं जहां मैं देख रहा हूं, आप इसका प्रचार प्रसार करें। गरीब महिलाएं अब हालांकि गांव की स्थिति क्या है वो महिला काम नहीं करती है, कई दब के रहती हैं। घूंघट प्रथा के लिए हमारी IAS मैम अभी आपको शपथ दिलाई थी, वो इसीलिए थी कि आप जब तक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होगे तब तक हमारा समाज उन्नति नहीं कर सकता। हमारा विभाग अब आगे मैं भविष्य की योजनाओं भी बता दूं, कुछ लोगों को आपको जानकारी है कुछ नहीं है। जनाधार कार्ड में भी महिला मुखिया होती है। पेंशन के लिए पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को सरकार द्वारा अतिरिक्त लाभ दिया जाता है। पालनहार योजना बहुत अच्छी योजना सरकार की है, जो गरीब महिलाएं हैं सबसे पहले विधवा महिला जिसको पहले हमारे समाज में विधवा को एक अभिशाप माना जाता था, सरकार ने इस चीज को गंभीरता से लिया। आज विधवा महिला बिना किसी के सहारे के इस पालनहार और पेंशन योजना की बदौलत ताराचंद जी उधर से लिया पालनहार योजना में कोई पात्र महिला है 3 बच्चों तक विधवा महिला को उसके बच्चों को पढ़ाने के लिए सहायता हमारे सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा दी जाती है, उसको 43 वर्ष अगर महिला 55 वर्ष तक की है तो उसको 500 रुपए, उसके बाद 750 रुपए, 75 वर्ष से अधिक होने पर 60 वर्ष से ऊपर 1000, 75 वर्ष से अधिक होने पर 1500 रुपए पेंशन मिलती है। साथ ही 18 वर्ष तक के 3 बच्चों तक उसको पालनहार योजना का लाभ मिलता है। तो कितनी बड़ी सहायता है, वो महिला अपने बच्चों को पूरी तरह पढ़ा लिखा सकती है। इतनी महत्वाकांक्षी योजनाएं महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए चला रखी हैं और आप इनको सुनना ही नहीं चाहती, नहीं समझना चाहती हो। कोई भी बात महिलाओं से जुड़ी हो, महिला अधिकारिता विभाग के यहाँ बैठे हुए हैं ICDS के हमारे महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम, आप खुद भी उसी टीम में शामिल हो जो हमारी आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, सहयोगिनी है, सहायिका है, वो इस टीम का हिस्सा ही है। वो उनकी पूरी जिम्मेवारी बनती है कि महिलाओं को जो भी योजनाएं यहाँ बताई जाती है विभाग द्वारा चलाई जा रही है उसके संबंध में जानकारी दें। आज की तारीख में महिला यदि अपने अधिकार के प्रति जागरूक हो तो समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है, ऐसा मैं दावे के साथ कह सकता हूं। यदि आप ही अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हो तो बात अलग है। और इसी की ध्यान में रखते हुए ये नारी चौपाल का आयोजन किया गया है
ये आप लोगों की जागरूकता के लिए किया गया है। आज आप यहाँ सब शपथ ले कि जो भी आपके अधिकार की क्षेत्र की बात, आपके सम्मान की बात आपको बताई गई है, आप उसको अमल में लाएं और किसी भी तरह की कोई परेशानी आपको किसी भी विभाग या अपने स्वयं के प्रति, जैसे हमारे थानाधिकारी राजेंद्र जी सीआई साहब ने आपको अवगत कराया, आपके आत्मसम्मान की बात है, या आपको कहीं कोई किसी भी विभाग से दिक्कत है तो आप उसको अवगत करवा सकती हैं। जो भी सरकार की क्रांतिकारी योजनाएं हैं उनका आप लाभ लें। अभी एक भविष्य की योजना जिसके बारे में आप पढ़ते रहते हो, प्रचार चल रहा है, निःशुल्क मोबाइल जो भी चिरंजीवी परिवार की महिलाओं को दिया जाएगा वो भी केवल महिलाओं को मिलेगा, तो आप इसके लिए प्रति जागरूक हो। अभी कुछ जैसा कि मैं पंचायत समिति में बैठता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे आई जिला प्रशासन की तरफ से हमारे मुख्य अतिथि मैडम एसडीएम साहब, तहसीलदार व मेरे सभी माँ समान बुजुर्ग महिलाओं, बहनों व प्यारे बच्चों, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आप सबका मैं स्वागत करती हूँ कि आज जो ये महिला चौपाल हमारे ग्राम पंचायत भूमशेड़ा में जो रखी गई है बहुत ही सराहनीय है। सुना गया है कि लोग आदमियों की चौपाल तो लगती है, लेकिन 3 साल में मैंने महिलाओं की चौपाल आज पहली बार देखी है और जो महिलाओं की संख्या आज यहाँ विराजमान है, मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारी महिलाएं इतनी जागरूक है जो इस चौपाल में हिस्सा बनी है यहाँ करके। आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। महिला सशक्तिकरण क्या होता है, महिला के खुद के स्वयं के अधिकार क्या होता है। महिला तो वो शक्ति है जो चाहे जो कर जाए, लेकिन उसकी शक्ति को पहचानने वाला चाहिए कि वो क्या चीज है। एक माँ जगदम्बा को देखो तो वो एक महिला है, जब महिला रहती है तो कुछ नहीं, लेकिन जब महिला देवी का रूप ले लेती है तो क्या से क्या कर जाती है, ये तो महिला ही बता पाती है। आज हमारे यहाँ जो एकत्रित हुई है महिलाएं, अगर उनकी कोई भी समस्या हो तो सभी डिपार्टमेंट की महिलाएं, सभी अधिकारीगण यहाँ उपस्थित हैं, उनकी जो भी शिकायत है वो यहाँ बता सकती हैं। ये शिकायत हमारी सीधी जिला कलेक्टर तक जाएगी और हमारी सुनवाई भी होगी इसके ऊपर। और मैं मैडम से अनुरोध करती हूँ कि ऐसी चौपाल साल में एक बार अवश्य रखवाए ताकि महिलाएं जागरूक रह सके और अपनी शिकायतों को आप तक पहुंचा सके। और महिला मैडम, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि इस तरीके का प्रशिक्षण हमारी पंचायतों की जो स्कूल है उनके अंदर भी दे, ताकि लड़कियां खुद की सुरक्षा करना सीख सके। इस तरीके के कोई ट्रेनिंग के रूप में साल में एक बार प्रोग्राम अवश्य रखवाए। ये ग्राम पंचायत बामनवास से सरपंच बबीता कंवर आपसे अनुरोध करती है कि महिलाओं की ये बात आगे तक पहुंचाए ताकि हमारी पढ़ने वाली बच्चियों को प्रशिक्षण मिल सके और स्वयं की सुरक्षा करने का अधिकार उनको पता चल सके। आज आप जो महिलाएं यहाँ पर हैं, मैं कहना चाहती हूँ कि बेटी और बेटे में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। माँ जब जन्म देती है तो बेटी और बेटा उसके लिए समान होना चाहिए। पहले की कुप्रथाएं हमारे समाज में चलती थी कि बेटी के जन्म लेने पर माथा खिनक जाता था और बेटे के जन्म लेने पर थालियां बज जाती थी, लेकिन ये गलत संदेश है। नहीं, एक माँ के लिए बेटा और बेटी दोनों समान होना चाहिए। इस भेदभाव को आज हम सब बैठी महिलाएं शपथ लेकर के ये करेंगे कि आज के बाद हमारे मन में ये भेदभाव कभी भी नहीं होगा, क्योंकि बेटों से आगे बढ़कर आज बेटियां काम कर रही है। बेटे फिर भी निखट्टू हो जाते हैं, एक टाइम नहीं सुनते है, लेकिन बेटियां सोती होती है तो भी उठ करके वो अपना काम करती है और उसे अपने पापा की चिंता होती है, उसे अपने परिवार की चिंता होती है, उसे अपने भाई की चिंता होती है, उसे अपनी माँ की चिंता होती है और वह घर का काम काज करके वो पढ़ाई भी करती है और आगे चलकर नौकरियों में भी सबसे आगे भाग लेती है। और मैं बैठी हुई महिलाओं से यह भी कहना चाहती हूँ कि
कि जो बेटी हमारे घर में बहू बन करके आती है उसमें भी भेदभाव ना करें, क्योंकि जब हम बेटी को प्यार कर सकते हैं तो बहू को क्यों नहीं। देखा जाता है कि कुप्रथाओं के चलते हुए बुजुर्ग सासें थोड़ा फर्क करती थी इन चीजों में, अरे बोलो बहू तो बहू ही रहेंगी, वो बेटी कब बन सकती है। लेकिन नहीं, ये एक गलत बात है। बेटी को, बहू को बेटी मानो और बहू सास को माँ समझे, तो मैं सोचती हूँ कि उस घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और अच्छी सोच बूझ के साथ वो परिवार आगे बढ़ेगा, वो परिवार आगे बढ़ेगा, वो गांव आगे बढ़ेगा और वो राष्ट्र भी आगे बढ़ेगा, अगर हम अच्छी सोच के साथ चलेंगे तो। अगर किसी बहू की कोई परेशानी होती है, कोई सास की कोई परेशानी होती है, तो वो प्यार से बैठकर अपनी बहू को अपनी बातों को बांटे कि बेटा ये काम इस तरीके से नहीं, और बहू भी उसको माइंड में ना रखे, उसको अच्छी तरीके से अपनी माँ समझकर अपने अधिकारों से बोले कि मम्मी आप ये गलत कर रही हो। मैं समझती हूँ कि एक समय वो सास माँ ही रहेगी, अपनी जन्म देने वाली माँ को भूलकर और अपनी सास का सम्मान करोगी तो तुम्हें आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। और मैं आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि शायद कुछ मेरे कहे हुए शब्दों को आपने ध्यान में भी रखा होगा और अच्छी सोच बूझ के साथ आप आगे बढ़ेंगे। इसीलिए मैं एक नारी के ऊपर मैं आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ कि हमारे समाज में कुछ ऐसे राक्षस प्रवृत्ति के लोग हो जाते हैं जो नारियों को कुछ समझ नहीं पाते हैं, उनकी सोच इतनी गंदी हो जाती है कि वो उनका सम्मान तक नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको कुछ पंक्तियों में बताना चाहती हूँ। मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं लुवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं लाखों में एक गर्जन हूँ, मैं लाखों में एक गर्जन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ, मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ, पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई, पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई, कभी जुए में हार गई और कभी अग्नि परीक्षा करवाई, कभी जुए में हार गई और कभी अग्नि परीक्षा करवाई, कलयुग हो या सतयुग हो इल्जाम मुझी पे आता है, क्यों अंधेरी रात सड़कों पर चलने से मन घबराता है, चलने से मन घबराता है, मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ, सफर अकेले करती हूँ, मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ, मैं सफर अकेले करती हूँ, डर का साम्राज्य बढ़ता है, कोई साया पीछा करता है, मेरी मुट्ठी बंद हो जाती है, धड़कने बढ़ जाती है, तरल पसीना माथे पर मेरे घबराहट है, जाने ये किसका साया है, जाने ये किसकी आहट है, अंधेरे में उन हाथों को अपनी बाहों में खींच लिया, एक ने मुंह पर हाथ रखा और एक ने आंचल खींच लिया, नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सा कर डाला, मर्यादा के आंचल को फिर जार जार सा कर डाला, मारा है मुझको पीटा है, बालों से मुझे घसीटा है, बर्बरता की उन सारी सीमाओं को तोड़ दिया, उन घनी अंधेरी सड़कों पर मुझे तड़पता छोड़ दिया, सन्नाटे में चीख रही थी, खून से लथपथ होकर आया, सन्नाटे में चीख रही थी, खून से लथपथ होकर आया, सबने तस्वीरें खींची, जी हाँ सबने तस्वीरें खींची, पर मदद को कोई न आगे आया, कोई मदद करो, कोई मदद करो, कोई मदद करो, ये चीख चीख कर भी मुझसे चीख भी मुझसे रूठ गई, जब होश में आई उस समाज की बातें सुनकर मैं टूट गई, परिवार की बदनामी होगी, परिवार की बदनामी होगी, सब मुझको समझाते हैं ये नई उम्र के लड़के हैं, थोड़ा तो बहक ही जाते हैं, अरे भूल जाओ हुआ उसे ये लड़के फ्री बच जाएंगे, तू लड़की है ये दुनिया वाले
तुझ पर प्रश्न उठाएंगे, क्यों कोई नहीं था साथ में, क्यों निकली अंधेरी रात में, क्या मेकअप था, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे, प्रश्नों की भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है, सब भूल जाओ कहने वालों, सब भूल जाओ कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है, कैसे भूलूं उन रातों को, कैसे भूलूं उन रातों को, मुझको छूते उन हाथों को, उन सारी तकलीफों को, और कैसे भूलूं उन चीखों को, मेरे शरीर की चोट तो कुछ दिन में ही भर जाएगी, लेकिन मन की पीड़ा सारी उम्र साथ जाएगी, सब भूल जाओ कहने वालों, याद रखो आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है, कल सड़क पे बेसुध पड़ी बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है, और इस दर्द से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता, जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता, आओ कर लो मेरे साथ और ये आह्वान करो, अपनी मर्यादा को समझो, नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो। मैं सभी बैठे हुए यहाँ जेंट्सों से कहना चाहती हूँ कि नारी का हमें सम्मान करना चाहिए, नारी देवी के रूप में होती है, जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता विराजमान होते हैं, और मैं उन राक्षसी प्रवृत्ति लोगों का कहना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को तो जितना बुरा हो उतना भी कम है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, सभी नारियों को हिम्मत से कहना चाहती कि हर वक्त हिम्मत रखे, और एक बहन की और बात आई थी दारू के ठेके की, कि भाई उनके गांव में जो ऐसे दरिंदे लोग हैं जो कपड़े खोलकर रोड पे पड़ रहे थे, अरे हमारी शक्ति के आगे तो वो लोग क्या है, बेटा उठाओ गांव की लेडीज मिलकर ठेका तो अधिकारी बंद आपसे तो आपसे निठाड़ से करेंगे उसको, तो आज ग्राम पंचायत बामनवास की सरपंच बबीता कंवर ने भी जान की बाजी लगा करके और ठेके को बंद करवाया है हमारे गांव का, तो तुम महिलाएं भी एक होकर के उस ठेके को बंद करवा सकती हो, और जहाँ सरपंच बबीता कंवर की जरूरत है वहाँ पे मेरे को बताओ, रास्ता दिखाने वाली मैं हूँ, आपको मेरे से संपर्क करो कि कहाँ कहाँ अधिकारियों से मिलना है, कैसे ठेका बंद होता है। नारी शक्ति सर्वोपरि होती है, जब नारी ठान लेगी तो उसके सामने कोई शक्ति नहीं टिक सकती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।